أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र स्कूलों को दोबारा बंद कर दिया है और आपके मिड टर्म इम्तहानात भी हो चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना रिजल्ट भी ले चुके होंगे। आज हमसे हम फाइनल टर्म की पढ़ाई का आगाज करते हैं। आज हम पढ़ेंगे साइंस, पेज नंबर 55 ओपन करें सब। यूनिट 6 मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट्स। लुक अराउंड यू, यू विल सी आर लॉट्स ऑफ थिंग्स बोथ बिग एंड स्मॉल। सम थिंग्स आर कलरफुल, अदर्स आर नॉट। सम आर हैवी एंड सम आर लाइट। सम आर लिविंग थिंग्स एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग्स। अब हमें बताया जा रहा है कि मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो इसमें क्या बताया हुआ है, लुक अराउंड, हमें अपने आसपास देखना चाहिए। यू विल सी लॉट्स ऑफ थिंग्स, हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि कुछ जो होंगी बिग होंगी, कुछ बड़ी होंगी और कुछ स्मॉल होंगी। सम थिंग्स आर कलरफुल, कुछ कलरफुल होंगी और कोई कलरफुल कुछ चीज़ें कुछ कलरफुल नहीं होंगी। सम आर हैवी एंड सम आर लाइट, कुछ जो है वो भारी होंगी और कुछ जो है हल्की होंगी। सम आर लिविंग थिंग्स एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग्स, कुछ जो होंगे वो लिविंग थिंग्स होंगी और कुछ लिविंग थिंग्स नहीं होंगी। वी कैन पुट थिंग्स इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज शेप वेट और टेक्स्चर। हम जो है यहाँ पर इस चैप्टर में उन चीज़ों को, लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को, कलरफुल को, नॉन कलरफुल को, बिग स्मॉल, इन सबको हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज शेप वेट और टेक्स्चर। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए केक बना हुआ है, पिज्ज़ा बना हुआ है, कंप्यूटर बना हुआ है, क्लॉक बना हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये चारों चीज़ें अलग अलग शेप्स की हैं ना। ये देखिए, ये राउंड है, ये ट्राइंगल शेप में है, ये रेक्टेंगल शेप में है, ये स्क्वायर शेप में है। केक देखें आप लोग, राउंड शेप में है ना। इस तरीके से इन चारों चीज़ों का शेप डिफरेंट है। तो ये वाला कौन सा हो गया, यहाँ हमने अकॉर्डिंग टू शेप डिवाइड करा है, ठीक है। अब हम देखें, ये पूरा हाउस बना हुआ है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेंसिल बनी हुई है। ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब इसमें हम किसकी बात करें, साइज की। देखिए इस घर का साइज जो है वो बड़ा है और पेंसिल का साइज छोटा है, तो यहाँ पे हम किसकी बात करें, साइज की। अब आप लोग ओपन करें पेज नंबर 56। अब यहाँ पर देखिए, स्लाइड बनी हुई है, मैट बना हुआ है, वुड बना हुआ है, विंडो बनी हुई है। ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, रफ, स्मूथ, हार्ड, सॉफ्ट। अब यहाँ पर बताया गया है टेक्सचर के बारे में कि वो कैसा उसका टेक्सचर होता है। अब देखिए यहाँ पर स्लाइड है, स्लाइड की जो सरफेस होती है वो स्मूथ सरफेस होती है ना, उसमें से फिसलते हुए आ रहे होते हैं ना, स्मूथ सरफेस होती है उसकी। और यहाँ पर मैट बना हुआ है, मैट की रफ सरफेस होती है ना मैट की। अब बनी हुई यहाँ पे लकड़ी जो होती है वो हार्ड होती है, उसको हाथ लगा के पता चल जाता है कि ये हार्ड है। इसमें यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी चीज़ कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, हार्ड होती है, रफ होती है, स्मूथ होती है। इस तरीके से यहाँ पे टेक्सचर की बात की गई है, ठीक है। अब नीचे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ग्लासेस बने हुए हैं और यहाँ पर स्विंग मशीन बनी हुई है, सिलाई मशीन बनी हुई है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट वेट्स। अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, वेट की, वजन की, कि क्या चीज़ भारी और क्या चीज़ लाइट है। हैवी कहते हैं भारी को और लाइट कहते हैं हल्के को। सनग्लासेस जो होंगे वो लाइट होंगे और स्विंग मशीन, सिलाई मशीन जो होगी वो हैवी होगी, हैवी लाइट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मटेरियल्स के बारे में। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, ऑब्जेक्ट्स के बारे में। सारी क्या थी, ऑब्जेक्ट्स थे, ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के शेप्स के बारे में बात किया, फिर ऑब्जेक्ट्स के साइज के बारे में बात किया, फिर यहाँ पर जो है हमने ऑब्जेक्ट के टेक्सचर के बारे में बात की हमने, फिर
फिर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के वेट के बारे में बात की. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मटेरियल के बारे में. व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल क्या होता है? ऑल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स वी सी अराउंड अस आर मेड ऑफ फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स. हमारे आसपास, अराउंड को कहते हैं करीब, हमारे आसपास जो है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स. वो किससे बनी है? मेड कहते हैं बनना डिफरेंट मटेरियल्स से. वो मटेरियल से हमारे पास जितनी भी आसपास चीज़ें हैं वो किससे बनी है? मटेरियल्स से. इन द पिक्चर अबव यू कैन सी लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट. अभी जो हमारे पास पूरी क्लासरूम बना हुआ है इसमें हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमें नज़र आ रहे बने हुए. यहाँ पर देखें बोर्ड बना हुआ है, यहाँ पर जो है हमारा ये यहाँ पे जो है टेबल रखी हुई है, यहाँ पे चेयर है, यहाँ पे डेस्क है, यहाँ पे पेंसिल बॉक्स है, यहाँ पे कबर्ड बना हुआ है, और इस तरीके से हमारा पूरा क्लासरूम बना हुआ है ना. तो ये सब क्या है? ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है. और ये सब किससे मिलके बने? ये सब मिलके बने मटेरियल्स से. अब हम आगे इसके बारे में फर्दर पढ़ते हैं. ओपन पेज नंबर 57. The blackboard is made of wood, the chairs are made of metal or wood, and the books are made of paper. What is the desk made of? अच्छा जी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो blackboard दिया हुआ है ये किससे बना हुआ है? Wood से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है. और जो chairs दी हुई है वो metal और wood से बनी हुई है. जो chairs हैं वो किससे बनी हुई है? Metal और wood से, लकड़ी और metal से. एंड द बुक्स आर मेड ऑफ पेपर. और जो बुक्स यहाँ पे रखी है वो किससे बनी हुई है? पेपर से, कागज से. वॉट इज द डेस्क मेड ऑफ? अब हमसे पूछा जा रहा है कि डेस्क जो है मेज जो है वो किससे बनी हुई है? ऑब्वियसली सी बात है वो भी लकड़ी से बनी हुई है ना, वुड से बनी हुई है. सम मटेरियल्स आर नेचुरल वाइल अदर्स आर मैन मेड. कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं और कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं. नेचुरल वो होते हैं जो कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से हमारी दुनिया में होते हैं, और मैन मेड होते हैं जो हम जो है ताला की रिसोर्सेज से उसको जनरेट करते हैं, बनाते हैं. मैन मेड जो होता है, मैन यहाँ पे इससे वादे करते थे कि जो चीज़ इंसान बनाए, ह्यूमन बींग्स जो बनाए, ठीक है. जैसे कि ये देखिए, ये जो यहाँ पे ये फ्लावर्स लगे हुए हैं और ये ट्री बना हुए, ये तो मैन मेड है ना, ये तो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, ये तो किसी इंसान ने नहीं बनाई, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें दी गई हैं इस दुनिया में. अब हम पढ़ेंगे मैन मेड मटेरियल्स. प्लास्टिक, स्टील, रबर, ग्लास, पेपर, ये सब क्या है? ये मैन मेड, ये इंसानों ने बनाई है. प्लास्टिक इंसान ने बनाई है, अल्लाह ताला की तरफ से हमें नहीं दी गई है ये. स्टील इंसानों ने बनाई है, रबर जो होता है वो इंसान ने बनाया है, ग्लास, पेपर, इस तरीके से ये सब क्या है? मैन मेड रिसोर्सेज हैं, मैन मेड मटेरियल्स हैं, ठीक है. मटेरियल्स कहते हैं चीज़ों को. आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पर एंड होता है. अब हम न्यू लेक्चर जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.